हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम एक्सप्लेन यू क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? द बेस ऑफ एन आइसोस्कल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। मतलब कि जो आइसोस्कल ट्रायंगल क्या है, ये आइसोस्कल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड डिफरेंट है और दो साइड इक्वल है। अब उसका बेस हमें क्या दिया गया है? 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 62/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। अब जो इक्वल साइड बची है हमें उसकी लेंथ बतानी है। सो हम जो हमारे पास लेंथ नहीं है तो हम उसे x मान लेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल के हम उसकी लेंथ बता देंगे। सो हम सॉल्व करते हैं। लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स भी हमने कितना माना? x सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना होगा? सारी साइड्स का सम क्या होगा? पेरीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर 62/15 है इज इक्वल टू, हमने दो साइड्स को x माना है तो x प्लस x, और हमारे पास थर्ड साइड क्या है? 4/3 62/15। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 4/3। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? x को अकेला करेंगे तभी तो x का मान आएगा। तो 4/3 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। से माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 42/15 इज इक्वल टू 2x। अब हम x को अकेला करेंगे तो कितना होगा? 42/ ये इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 15 डिवाइड में है तो दोनों इंटू में हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब यहाँ से 2 से 42 कट रहा है 21 टाइम, और ये भी कट रहे हैं 3 से, ये 7 टाइम और ये 5 टाइम। तो हमारे पास क्या बचा? x इक्वल टू 5। तो हमारा जो साइड है, दो इक्वल साइड जिसे हमने x माना था, वो हमारा x इज इक्वल टू 7/5 आया। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। x की वैल्यू हमने निकाल ली और यही हमें करना था। सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, मतलब कि x की वैल्यू हो गई। थैंक यू।